कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं कहानी के पिटारे से आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी का अपमान करते हो, तो बदले में आपके साथ क्या होगा? अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, दूसरों की मदद करते हो, तब आपके साथ क्या होगा? चलो, मैं आपको इन सवालों के जवाब इस कहानी के जरिए समझाती हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कहानी है। बच्चों, बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। सारस और लोमड़ी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। वक्त बीतता रहा और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चली। सारस बहुत सीधा सादा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इस बार सारस का अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। खाने में लोमड़ी ने सूप तैयार किया और जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोस दिया। उसे पता था कि सारस की चोंच लंबी होती है, वो प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। प्लेट से सूप पीने में उसे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन लोमड़ी को तो सारस का मजाक उड़ाना था, इसलिए उसने ऐसा किया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने सूप वाली एक प्लेट अपने सामने रख दी और दूसरी प्लेट सारस के सामने। दोनों ने सूप पीना शुरू कर दिया। लोमड़ी तो गटागट सूप का मजा लिए जा रही थी, लेकिन सारस लंबी चोंच की वजह से प्लेट से सूप नहीं पी सकता था। अब लोमड़ी सारस को सूप ना पीता देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वो सब समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जाते जाते सारस ने भी लोमड़ी को मजा चखाने का ठान लिया था। उसने फैसला किया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। इसीलिए उसने लोमड़ी को अगले दिन अपने यहाँ दावत पर आने का निमंत्रण दे दिया। लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि सारस की दावत का मैं जी भर कर मजा लूंगी। अगले ही दिन सारस के घर दावत पर पहुंच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और बाकी सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हां में हां मिलानी पड़ी। लोमड़ी अब अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उसे एहसास हो गया कि सारस ने अपमान का बदला लिया है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ भी होता है। दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो,
खुश रहो।